फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं खड़ी हूँ आज चंडीगढ़ में और हमारी जो जर्नी है वो शुरू होने वाली है चंडीगढ़ से दिल्ली तक की। आज की हमारी जो जर्नी है वो होगी ट्रेन नंबर 02046 पे और हमारी जो ट्रेन है वो है चंडीगढ़ न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, जो चलती है चंडीगढ़ से दोपहर को 12:15 बजे और हमें पहुँचाएगी दिल्ली 3:30 बजे के आसपास। फ्रेंड्स, पहुँच गए हम चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पे। हमारी जो ट्रेन है वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगी हुई है और आइए आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा कोच सीवा जो कि सबसे लास्ट में है। मुझे लोकोमोटिव दिखाने के लिए सबसे आगे जाना होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि एक ब्लॉग बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, हम ट्रेवल कर रहे हैं इसी चेयर कार में। इस ट्रेन का किराया मुझे पड़ा है लगभग 750 के आसपास क्योंकि मैंने इस ट्रेन की जो टिकट है वो तत्काल में बुक करवाई थी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस ट्रेन का लोकोमोटिव जो कि है VAP 5 और गाजियाबाद शेड का है ये। फ्रेंड्स, अभी कुछ ही महीने हुए हैं मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हुए और आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छे कमेंट्स आप लोग मुझे कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ही के ये जो कमेंट्स है ये मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए और ब्लॉगिंग करूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने कोच के अंदर आ चुकी हूँ। एसी चेयर कार है, ऊपर लाइट लगी हुई है जिससे आप रात में पढ़ सकते हैं। कुछ खूबसूरत पिक्चर्स भी लगी हुई हैं। मोबाइल चार्जिंग के लिए सॉकेट्स हैं एंड आपकी सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। और सामने आप देख सकते हैं पश्चिम एक्सप्रेस को जो कि रोजाना अमृतसर से मुंबई तक चलती है। ये ट्रेन काफी डिमांड में रहती है। फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ अंत तक क्योंकि आपको मिलने वाला है सिर्फ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो फ्रेंड्स, अब हमारी ट्रेन चल चुकी है चंडीगढ़ के स्टेशन से और आप देख रहे हैं इसका डिपार्चर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस ट्रेन का वॉशरूम, यहाँ पे हैंग करने के लिए आपको ये दिया हुआ है एंड ये मिरर है जहाँ पे आपको मैं दिख रही हूँ। यहाँ पे है पानी, जैगुआर की टैप्स लगी हुई है ये, जो कि आप पानी लेने के लिए यस टर्न करेंगे सो यू विल गेट द वाटर। और यहाँ पे आपके पास लिक्विड सोप भी गिवन है, सिर्फ प्रेस कीजिए आपके पास सोप आ जाएगा, आप देख सकते हैं, और टर्न करके यू कैन जस्ट वॉश योर हैंड्स। वेस्टर्न सीट है, फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते ही है शताब्दी की जो सर्विस है वो पहले की तरह अब नहीं है।
अब आपको खाना मिलता तो है लेकिन वो पेड होता है, तो इसीलिए कुछ स्नैक्स मैं घर से ही कैरी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बना के लेके आई हूँ घर से एक सैंडविच और साथ में केचप। फ्रेंड्स मैंने लिए यहाँ पे नारियल पानी, एक बॉटल जो है मुझे 50 रुपीज़ की पड़ी है और आप देख सकते हैं MRP विजिबल भी है स्क्रीन पे, तो 50 रुपीज़ का एक बॉटल दी है उन्होंने। फ्रेंड्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे तो ये बहुत ही कड़वा लग रहा है एंड नो आई कैन नॉट ड्रिंक। चल देखते हैं कुछ करती हूँ, आज तो कुछ कर देते हैं, आज तो खाली नहीं करते। तो फ्रेंड्स पहुँच चुके हैं हम अंबाला कैंट पर। यहाँ पे हमारी ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो है सिर्फ 2 मिनट का और हमारी ट्रेन ने हमें बिल्कुल सही टाइम पे पहुँचाया है। मैं यहाँ से नीचे उतर कर आपको इसलिए स्टेशन नहीं दिखा रही बिकॉज सिर्फ 2 मिनट का ही स्टॉपेज है। फ्रेंड्स हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है कुरुक्षेत्र जंक्शन को और सामने आप देख सकते हैं पश्चिम एक्सप्रेस को
जो कि मुंबई से चलकर अमृतसर की तरफ जा रही है और ये भी वाया चंडीगढ़ से होकर जाएगी। फ्रेंड्स, जब हम पहले शताब्दी में ट्रेवल करते थे तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ खाने को मिलता था। एक के बाद कुछ ना कुछ आता रहता था। कभी सूप आ रहा है, कभी आइसक्रीम आ रही है, कभी खीर आ रही है। लंच या डिनर तो होता ही था, उसके अलावा स्नैक्स में भी बहुत कुछ मिलता था। तो एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती थी। एंड ऑब्वियसली प्रीमियम ट्रेन्स में काउंट होती है शताब्दी, बट ड्यू टू दिस पेंडेमिक ऐसी सर्विस जो है खाने पीने की वो सब बंद हो चुकी है। अभी भी आपको मिल जाएगा ट्रेन के अंदर, बट डेफिनेटली वो सारी चीज़ें पेड है, राइट। एंड हर कोई नहीं खरीदता, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो पेड वाला जो खाना आता है वो खरीदते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ट्रेन में खाने की सर्विस फिर से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो फिर प्रीमियम ट्रेन की फीलिंग ही नहीं आती है। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और आप रेलवे को ट्वीट करके भी बता सकते हैं, मैंने भी ट्वीट किया है। फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं हम करनाल के स्टेशन पर। यहाँ पे हमारी ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो सिर्फ 2 मिनट का है। फ्रेंड्स, हम न्यू दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं और ऊपर आप देख सकते हैं मेट्रो का हमारी ट्रेन के साथ पैरेलल रन।
फ्रेंड्स, अब हम क्रॉस कर रहे हैं आदर्श नगर दिल्ली के स्टेशन को और ये सामने से कोई ट्रेन निकल रही है, लेकिन बोर्ड की अलग भाषा होने के कारण मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कि कौन सी ट्रेन है। यदि आपको पता हो तो कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हमारी ट्रेन स्किप कर रही है सदर बाजार के स्टेशन को। यहाँ से न्यू दिल्ली स्टेशन की दूरी केवल 5 मिनट की रह जाती है। ये तो भी अपना जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या टैग वालो या बुंदे अब गूगल पे देख लात वालो दे रखे हो हिंदी में दिखा रखो बेहतर तो फिर वो हिंदी और इंग्लिश ये और भी दोनों हो गए इसमें बुंदे सरात दिखा रखे और इसमें लोकसभा ना पूछ रहा की संघीय सभा पूछ रहा विश्वामित्र का संधि विजय कोई विश्व पुलिस अमित्र दिखा रो है कोई विश्व पुलिस मित्र बता रो है तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर। आई होप आपको हमारे साथ ये सफर बहुत पसंद आया होगा और अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।